जगह एंजॉय करने के लिए चलो चलो। बारिश आ गई, बारिश होने लगेगी पर बाइक अलाउड नहीं। मजाक बनाने की कोशिश कर रहा है। रुक जा, मुट्ठा खाएंगे, प्लीज रुको। काम है, रिटर्न घर भी जाना। पहाड़ियों में गर्मा गर्म मैगी पे आके आके। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो हम पहली बार कुछ अपने यूट्यूब की हिस्ट्री में नया करने जा रहे हैं। बारिश का सीजन है और हम लोग जा रहे हैं लोनावला। बारिश में सब लोनावला जाते, मजे करते हैं। तो हम लोग बाइक पे, मैं खुद बाइक चला के यहाँ से लोनावला तक जाऊंगी। फुल एकदम बाइकर मोड ऑन है हम लोग का और मैं सबसे इंट्रोड्यूस करवाती हूँ आपको। और बिना कोई देरी के हम लोग निकलते हैं, आपको हर एक चीज का मजा देते हैं। हेलमेट पे गोप्रो लगा दिया है और पहली बार इसका एक्सपीरियंस हम करने वाले गोप्रो का। एकदम संभल के जाएंगे, ऊपर वाले का नाम लेके जाएंगे कि हम सही सलामत पहुंचे और सही सलामत आ जाए। तो यस, गणपति बप्पा मोरिया। बाकी सब तो ठीक है, पता है हम लोग पहुंच आधे रास्ते तक पहुंचे हैं, लेकिन एक मियां बीवी हमारे साथ, सूरज मोना। एक साल आई थिंक हो गया उनकी शादी को, फिर भी अलग घूमने का मन है उन लोग का। दूसरा रास्ता पकड़ लिया अभी हम लोग ने, सबने सोचा कि आगे भी जो गए थे इधर आइकिया है उसके पास रुकते हैं। सूरज और मोना क्या बोले, कहा है लोनावला के लिए ट्रेन भी जाती है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ बाय रोड रास्ता है, बाय रेल भी रास्ता है। पूरे बारिश के बादल हो रहे हैं, वो बादल के बारिश होने लगेगी और मैं नहीं भीगूंगी, बट क्या करूँ, अगर आ गई जाना तो वही भीगना भी पड़ेगा। तो देखेंगे, मैं तो बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ। तो मुंबई टू लोनावला 105 किलोमीटर के कोई एक रास्ता है जहाँ पर बाइक अलाउड नहीं है, सिर्फ गाड़ी अलाउड है, बिकॉज घाट का सेक्शन है। बट हम लोग को पता नहीं, रास्ता तो कोई एक है बट कौन सा रास्ता है वो नहीं पता था। तो हम लोग सब बाइक, जो भी बाइक है, हम लोग लेके आ गए उस रास्ते में। और पुलिस वाले ने सत्तू को पकड़ लिया, सत्तू की जो बाइक थी, बाकी तो बाइक तो पास हो गई, उनको पकड़ा नहीं। तब हमें पता चला कि ओके ये नो एंट्री है। तो अभी मैं सत्तू के पास जा रही हूँ, उसको पुलिस ने पकड़ लिया। बैठे थे पीछे, कम से कम साइन बोर्ड तो पढ़ना चाहिए था ना। चलो अपने एंजॉय करने के लिए चलो 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 चलो। लेकिन हम ऑल इंडिया किधर भी जाओ, आप आपके पास फोर व्हीलर हो या टू व्हीलर हो, जो भी रास्ते में जितना भी साइन बोर्ड है वो पढ़ना ही चाहिए आपको। मम्मी एक्चुअली निकलते टाइम बोली थी कि रास्ता है जब बाइक में जाता, बट ये है वो नहीं पता चला। और ये लोग जो दोनों लास्ट में आए ना, ये लोग अलग रास्ते पे, इन लोग को बोले तुम लोग गलत गए हो, नेविगेशन में हमारे पीछे हो, ये बेचारे सही रास्ते पे थे। वही बताया कि और कोई पीछे होगा तो उधर ही, तो वो भी आएंगे आगे। तो लाइफ में सब कुछ एक्सपीरियंस करना जरूरी है, बट अच्छे एक्सपीरियंस, मतलब पुलिस वालों के साथ इतने अच्छे एक्सपीरियंस के शुरू से लेके एंड तक उन्होंने मतलब बस यही बोला है, फाइन वाइन सब ठीक है, लेकिन आपकी जान को, क्योंकि उन्होंने बाकायदा में फोन में दिखाई कि कितने एक्सीडेंट्स होते क्या होते, और यहाँ पर सब 100 की स्पीड के ऊपर ही होते तो इतना प्रॉब्लम होता है। तो उन्होंने हमें हेल्प किया अपनी गाड़ी से, हमें यूटर्न 4 किलोमीटर नहीं जा सकते क्योंकि रॉन्ग हो जाएगा तो फिर कोई हादसा हो सकता है। तो वो क्या करें, अपनी गाड़ी के पीछे हम लोग को सेफ्टी से आगे से फिर एक लेफ्ट कट आएगा वहां से निकालेंगे। थैंक यू सो मच सर इतना हेल्प करने के लिए, थैंक यू। हम नेक्स्ट टाइम याद रखें कि आप भी कभी लोनावला अगर बाइक से आओ तो एक्सप्रेस हाईवे से आपको नहीं आना है, बाइक वाला नेविगेशन चालू करोगे, बाइक से ही जाना।
सफर कैसा है ये सफर, मंजिलों की न है कोई खबर, सफर बुलेट चलाना इज नॉट एन इजी टास्क। बहुत भूख लगी, मतलब बाकी चीजें बाद में, अभी तक हम वो नजारों के पास नहीं पहुंचे जो मैं आपको बताऊंगी, बट बहुत भूख लगी। पहले कुछ खाते, सुबह से नाश्ता ही नहीं किया। और भी जो ऑर्डर था मैंने ले आया। लो आशीष चाहता है, उसको भी दिखाऊं मैं। आओ फ्रेंड्स, खाओ मिसल पाओ। खा पी के बहुत मजा आया, पेट भर गया, बट आलस नहीं आ रहा है। एक्टिव हूं मैं, बिना हंस क्यों रहा है? क्योंकि तू जोकर है, इसलिए तेरे ऊपर हंस रहा है। मजाक बनाने की कोशिश कर रहा है। कोशिश नहीं कर रहा है वो, बाकायदा तेरा मजाक उड़ा रहा है। तो मैं इधर बात कर रही ना, मिलेगा ना, मिलेगा। बहुत सारी चीजें, अच्छे देना, मीठे देना, नींबू एकदम मस्त निचोड़ के एकदम मसाला लगा। देखो ऐसे नहीं चाहिए, ये वाला चाहिए। बहुत गर्म है क्या? मुझे खाना बढ़िया है, बना दो। नींबू क्या था? नींबू मम्मी का। अरे भाई नहीं हो रहा ये, देखो। ये किसके बच्चे खो गए? दो हमारी माता जी, ये मेरी बेचारी छोटी सी बच्ची खो गई थी, हम इसको घर ले जा रहे हैं। अभी डांस डांस करो। बताए सौ कहानियां, तू रोशनी तू रंग। हम जा रहे हैं दूसरे लोकेशन पर अब। ये लोकेशन को थोड़ा सा पीछे छोड़ के हम आगे जा रहे हैं, टाइगर पॉइंट जा रहे हैं शायद। वहाँ पर देखते हैं वहाँ पर और क्या नजारा है, क्या 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 हमें देखने मिलते हैं। माय गॉड, यहाँ पर ट्रक का एक्सीडेंट हो गया। माय गॉड, सोचो इतने छोटे से रोड पे, ये तो वो वहाँ पर हाईवे पे एक्सीडेंट होते हैं, यहाँ पर छोटे छोटे रोड पे भी एक्सीडेंट होते हैं। तो फर्क क्या है कि वो एक्सप्रेस हाईवे है, वहाँ बहुत ज्यादा स्पीड में रहते हैं, इसलिए एक्सीडेंट होने की संभावना है। और यहाँ पर बहुत ही टेढ़े मेढ़े, मतलब ऐसे गोल 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 रास्ते, बिकॉज पहाड़ों पे है ना, गोल गोल रास्ते हैं यहाँ पर, इस वजह से एक्सीडेंट होते हैं यहाँ पर ज्यादातर। बताए सौ कहानियां, काम करो, बाल्टी का तो नहा लो ना। मेरा पूरा मस्कारा फैल गया था, मैं मंजूली का लग रही थी, मैंने मेकअप धो लिया पूरा। मैं एक दिन खाली रील बनाने आऊंगी लोनावला। हाँ गुजर
गाइस हम लोग पहुंच चुके हैं टाइगर पॉइंट में और यहाँ पे पूरा फॉग फॉग हो चुका है और मुस्कान जी लोग तो आए नहीं। अब समझ गया मैं भी फॉग एक बार ही है ना। भाई के भाई हम टाइगर पॉइंट पे आए थे, यहाँ पर तो पूरे पूरे बादल हैं, कुछ भी नहीं दिख रहा है और आगे शायद एक एक्सीडेंट भी हुआ है। देखो विंडो के बाहर भी आपको ऐसा लग रहा होगा सब कुछ वाइट वाइट। अब हम जा रहे हैं, टाइगर पॉइंट था, हम जा रहे हैं लायन पॉइंट क्योंकि अयान का फोन आया, नेटवर्क आया थोड़ा सा, अयान का फोन आया बोला हम लायन पॉइंट पे, तुम लोग आओ। कुछ भी नहीं दिख रहा है, बापरे चलाना बहुत, वो तो नज़दीक है तो दिख रहा है अलग बात है, पर देखो दूर दूर तक कुछ भी नहीं दिख रहा है। यहाँ नीचे पूरा घाट है, कुछ समझ नहीं आ रहा है, बट वो लोग ने बुलाया, हमने सोचा चलो ठीक है थोड़ा सा एडवेंचर से करते हैं, चलते हैं। अयान हमने तुमको बहुत ढूंढा। अरे हमें दिख ही नहीं रहा था कुछ भी बाहर, फॉग इतना आ गया। हाँ हमें तो सब दिख रहा था, हमारे लिए बादल। तो लास्ट ईयर जब हम आए थे लोनावला आंबी वैली गए थे, तभी हमें आए थे तब इतना मौसम ऐसा नहीं था, इतना फॉग नहीं था, पर मैंने साड़ी पहन लिया है और मैंने शूज पहन लिया। इतना फॉग था, हम धीरे 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 गाड़ी चला के आए ताकि मतलब सेफ रहे, इसलिए बहुत धीरे धीरे गाड़ी चला के। हम लोग यहाँ सुबह पहुँचने वाले थे बट इतना लेट हो गया, हम चार बज गया, अभी हमें रिटर्न घर भी जाना है, तो एक घंटे में हम यहाँ से निकल के घर चलते, यहाँ से पहले जल्दी चले। इतनी दूर हम मैगी खाने आए, दो मैगी और चाय पीने, दिस इज पकौड़ी भी खानी है। तो हमने बोला है उसको कि प्लीज हमें आउटडोर चेयर लगा के दो, और मैं बहुत ही फनी लग रही हूँ बट इट इज ओके और बहुत मजा। वेजिटेबल मैगी 5 दे दो, चीज मैगी 1 दे दो, बेबी चीज मैगी 2 चीज मैगी दे दो, 4 वेजिटेबल मैगी। अच्छा टेस्टी बनाना भैया, इतना वेजिटेबल मैगी में एक्स्ट्रा मसाला, भाई जल्दी लाना मेरे को। हां हां दो मिनट इधर आ जाओ। मुझे इतनी गर्मी लग रही है मैं बता नहीं सकती। इनका कॉस्ट्यूम देखना गाइस, वाओ नाइस, बहुत गर्मी फील हो रही है इसलिए मैंने थोड़े थोड़े कपड़े पहने हैं। और कहां पहने हो, क्या पहाड़ियों में गर्मा गर्म मैगी खाने का मजा ही कुछ और है, हम आपको बता नहीं सकते हैं। भाई यहाँ पे इतनी ठंडी है क्या बोलूं मैं, अच्छा भूख लगा है। मैं ऐसे दिखा रहा हूं। अरे बारिश आ गई, भागो 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 भागो। हाँ बादल हटा तो नीचे दिखा हमें, सोचो हम कितने ऊपर है। ए गाइस सुनो मेरी बात, जब क्लियर हो रहा है तो प्लीज निकलो नहीं तो हालत हो जाएगी गाड़ी में, जिनको आने वो तो गाड़ी में आ जाएंगे। सही बात है, हाँ सही बात है, चलो चलो गाइस लेट्स लीव। तो हमारा लोनावला का सफर यहीं खत्म होता है, हम मैगी घर पे जाके अच्छे से फ्रेश फ्रेश होके आराम करेंगे और मैगी चाय हम सबने पी ली। गाइस सबका एक्सपीरियंस कैसा था? बहुत सबको बार ठंडी लग गई, हालत ऐसी गई, बट मुझे तो कोई ठंडी नहीं लग रही, सब वीक है, पता नहीं अगली बार मुझे भी नहीं लगी। तो आई होप आपको व्लॉग पसंद आया हो और हम सबको बहुत मजा आया, हम दोस्तों के साथ जाते रहते हैं और फैमिली के साथ नहीं आ पाए, हम फैमिली के साथ भी आएंगे। होप यू लाइक दी वीडियो, थैंक यू फॉर वॉचिंग, डू लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब, बाय। नजर ना लगे उस रिश्ते को जमाने की, हमारे भी तमन्ना है बहुत तक दोस्ती निभाने की। फाइनली हम सब घर पहुंच गए हैं बट बाइक पे आके आके ऐसी हालत हो गई, आरुष की आंखें देखो, कमल जी की हालत देखो, सूरज तुम्हारी हालत दिखाओ, ऐसी हालत हो गई, ग्रीन हो चुका है, बहुत स्ट्रगल था बाबा।